सभी का ईश्वर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। जानिए कैसे प्रकट हुई महादुर्गा, किस देवता ने दिए उन्हें कौन से अस्त्र शस्त्र। देवी भगवती ने असुरों का वध करने के लिए कई अवतार लिए। सर्वप्रथम महादुर्गा का अवतार लेकर देवी ने महिषासुर का वध किया था। दुर्गा सप्तशती में देवी के अवतार का स्पष्ट उल्लेख आता है, जिसके अनुसार एक बार महिषासुर नामक असुरों के राजा ने अपने बल और पराक्रम से देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। जब सारे देवता भगवान शंकर व विष्णु के पास सहायता के लिए गए, पूरी बात जानकर शंकर व विष्णु को क्रोध आया, तब उनके तथा अन्य देवताओं से मुख से तेज प्रकट हुआ, जो नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। शिव के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भ्रुकुटी और वायु के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद देवी को शस्त्रों से सुशोभित भी देवों ने किया। देवताओं से शक्तियां प्राप्त कर महादुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग सौंप दिया। महिषासुर का वध करने के कारण उन्हें ही महादुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार शक्ति को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने अपने प्रिय अस्त्र शस्त्र सहित कई शक्तियां उन्हें प्रदान की। इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर देवी माँ ने महाशक्ति का रूप ले लिया। एक, भगवान शंकर ने माँ शक्ति को त्रिशूल भेंट किया। दो, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान दिया। तीन, वरुण देव ने शंख भेंट किया। चार, अग्नि देव ने अपनी शक्ति प्रदान की। पाँच, पवन देव ने धनुष और बाण भेंट किए। छह, इंद्र देव ने वज्र और घंटा अर्पित किया। सात, यमराज ने काल दंड भेंट किया। आठ, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला दी। नौ, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल भेंट दिया। दस, सूर्य देव ने माता को तेज प्रदान किया। ग्यारह, समुद्र ने माँ को उज्जवल हार, दो दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़ी, अर्धचंद्र, सुंदर हसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां भेंट की। बारह, सरोवरों ने उन्हें कभी न मुरझाने वाली कमल की माला अर्पित की। तेरह, पर्वतराज हिमालय ने माँ दुर्गा को सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया। चौदह, कुबेर देव ने मधु शहद से भरा पात्र माँ को। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।